फिर से हम एचयूसी के प्लांट के पास हैं। एचएमटीपी प्लांट ये है और हमारे साथ ये सारे अस्थाई कर्मी हैं और इनका टूल डाउन स्ट्राइक खत्म हो गया है। लगभग 40 दिनों का टूल डाउन स्ट्राइक खत्म होते हुए तीनों प्लांट में मशीनें चालू कर दी गई हैं। हमारे साथ कर्मी हैं, कितने संतुष्ट हुए प्रबंधन से, जो बातचीत हुई वो कितना संतुष्टजनक रहा, क्या आगे जो है वो किस किन किन मुख्य मांगों पर सहमति बनी है? मांगे जो थी, हम लोग का तो डिमांड था कि 6 महीना का जो हमारा बैकलॉग है वो 6 महीना का पेमेंट आप करके करंट कीजिए और करंट के हिसाब से आप लोग चलिए। तो लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं हुआ। 36-37 दिन का हम लोग ने टूल डाउन स्ट्राइक किया, उसके बाद भी प्रबंधन की ओर से कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक माहौल नहीं आया सामने में, और इन लोगों ने भी इसको छोड़ दिया कि नहीं स्ट्राइक में है तो स्ट्राइक में रहने दीजिए, कोई बहुत विशेष जो कहा जाए वो नहीं हो पाया। उसका कारण भी रहा क्योंकि प्रबंधन के पास भी संसाधन है नहीं और हमारी गवर्नमेंट जो है तो सारे संसाधन को लॉक करके रखी हुई है। जब स्थिति इतना दयनीय हो गया है तो संसाधन तो कुछ देना ही होगा मार्केटिंग करने के लिए। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जब तक आप पूंजी नहीं लगाइएगा तो मार्केटिंग नहीं कर पाइएगा। तो ये स्थिति इनके साथ भी बनी। तो इसमें अभी लास्ट में यही हुआ कि मजदूरों और प्रबंधन के साथ का ये समन्वय है सिर्फ। केंद्र सरकार या सरकार की जो नीति है वो काफ़ी विफल रही इस जगह पर, कि उन्होंने इतने दिनों पर भी हमारे यहाँ बीजेपी के इतने इतने सांसद होने के बाद भी इन्होंने जरा सा भी पहल नहीं किया इसको लेकर के। ठीक है, विपक्ष के नेता हमारे सुबोध कांत साय जी थे जो कि जिन्होंने काफ़ी पहल किया और बहुत हम लोग को हिम्मत भी दिया, लेकिन फिर भी ये मजदूरों और प्रबंधन का समन्वय रहा कि आज हम लोगों ने टूल डाउन स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया है। प्रबंधन का आश्वासन यही रहा कि हमने दो महीने का पेमेंट प्रति महीने हमने मांगा था कि ठीक है कम से कम आप हर महीने 2 महीने का पेमेंट कीजिए, एक पिछले महीने का पेमेंट कीजिए, एक करंट महीने का पेमेंट कीजिए, ताकि इससे हम लोग अपना गुजारा कर सकेंगे, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकेगी। लेकिन इस पर भी प्रबंधन ने अपनी व्यवस्था दिखाते हुए बताया कि नहीं ठीक है, हम 1.5 महीने का मैक्स टू मैक्स हम 1.5 महीने का पेमेंट कर सकते हैं, आधे महीने का बैकलॉग और 1 महीने करंट, जो कि उसमें भी जो है सो कि महीने के फर्स्ट वीक में 1 से 5 तारीख तक में 1 महीने का पेमेंट होगा और उसी महीने के एंड में 15 दिन का और पेमेंट होगा। तो इस बात पर सहमति बनी है। 2-4 दिन से हम लोग फिर से भी स्ट्राइक पर लगे हुए थे क्योंकि प्लांट तो चालू हो गया था, लेकिन प्रबंधन का ऐसा हमेशा से रवैया रहा है कि अपील और सर्कुलर आदेश दोनों में काफ़ी अंतर रहता है। तो अपील हमारा निकाला गया था कि हाँ हम लोगों पर ये जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आप लोग को ये मांगे दिया जाएगा जो जो मांग रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, जो आप अपील में निकाल रहे हैं वो एक सर्कुलर कीजिए ताकि आप उस पर भी साइन कीजिए और यूनियन के लोगों भी साइन करके इसको एक लिखित में आना चाहिए, वक्तव्य में हम लोग नहीं रहना चाहते हैं। तो खैर आज दिन में 10:30 बजे फिर से मीटिंग हुआ और मीटिंग होने के बाद फिर ये सभी चीज़ जो है सो लिखित में आ गई है, सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया है और उसी पर अमल करते हुए हम लोगों ने उस पर मान किया है। तो हमारे साथ और भी कामगार हैं, कितने खुश हैं, कल 1 महीने का वेतन भी आपके खाते में आया, क्या थोड़ी सी खुशी है? हाँ थोड़ी सी तो खुशी है, मतलब डूबते को तिनका का सहारा वाला बात है। हाँ। जब कुछ नहीं था तो 1 महीना का सैलरी आया तो कुछ तो खुशी है। कौन कौन से वर्क ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में? वर्क ऑर्डर बहुत सारा तो नहीं है, लेकिन HMTP में हमारा यहाँ है, रिकंडीशनिंग का काम है, एक न्यू मशीन है, ये सब काम पेंडिंग है जिसको हम लोग मतलब ओवर टाइम करके और ये सब करके पूर्ति करेंगे। हाँ, और बहुत अच्छा निर्णय तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं था, उनके पास कोई संसाधन नहीं है चाहे इस टाइप का है, तो हम लोग कितना दिन हड़ताल करते, इसलिए मजदूर का भी अभी टूटते जा रहा था। और हम लोग को जो डिमांड था कि सर्कुलर कर दिया जाए, तो आज 10:30 बजे सर्कुलर पे सारे यूनियन प्रतिनिधि जाकर के साइन किए, तो हम लोग को बोला गया कि लड़ना होगा, क्या करोगे, सब वापस हो जाओ। तो हम लोग सब मिल करके डिसीजन ले लिए और फिर हम लोग आज से काम पे लौट गए हैं और तीनों प्लांट में काम चल रहा है। तो करीब 3,000 मजदूरों की सहमति बनी है, और भी हम मजदूरों से बात करेंगे और क्या कहते हैं, चूंकि कहा जाए तो HEC की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण ये जो रवैया रहा निर्देशकों के तरफ से कह सकते हैं, प्रबंधक के तरफ से कह सकते हैं, चूंकि आज जो है एक समन्वय बनाते हुए कामगारों ने अपना जो है टूल डाउन स्ट्राइक वापस लिया है और एक डूबते को तिनके का सहारा, जैसा कि अभी हमने बात की और सुनने को मिला, तो हमारे साथ और भी श्रमिक है, क्या लगता है अगर आगे सहमति नहीं बनती है तो तब क्या करेंगे, क्या रवैया? मैडम अभी ये तो हम लोग इंतजार करेंगे कितने दिन तक इनका सहमति पर कार्य होता है, कब तक ये वेतन दे पाते हैं,
अगर नहीं देंगे तो आगे से फिर टूल डाउन या कोई और कार्रवाई करने का होगा, तो हम लोग मजदूर मिलकर करेंगे उसको। खुशी है, एक महीने का वेतनमान आया है, कुल मिलाकर कहें तो अभी 5 महीने का वेतन और बाकी है। खुशी तो नहीं है, जितना मांगा गया था उतना मिला नहीं, और परिस्थिति को समझते हुए सारे कामगारों ने निर्णय लिया कि ठीक है काम पर चला जाए। लेकिन मैं अब भी कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से सरकार का रवैया रहा तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, हम सबों के लिए अच्छा नहीं है। सरकार करे कि इसको कुछ मदद करे, जो मदर इंडस्ट्री कहा जाता है, देश में कारखाने बनाने वाला कारखाना है, और ऐसे प्लांट को सरकार से गुजारिश है कि मदद करे और इसको इस्टेब्लिश करे और इससे देश का नाम रोशन हो। तो इस मदर प्लांट्स को बचाने के लिए, इसमें जान डालने के लिए जरूरी है वर्तमान में कि केंद्र सरकार, केंद्र के भारी उद्योग मंत्री हैं, वो इस पर ध्यान दे ताकि एक बार HEC पुनर्जीवित हो उठे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।